दोस्तों बात करेंगे एनएचपीसी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आज आपने देखा भाई, एनएचपीसी के शेयर ने कमाल कर दिया, 5% की बढ़िया रैली देखने को मिली है। कल भाई बड़ी गिरावट थी, कल मार्केट में पॉजिटिविटी होने के बावजूद देखा था कि भाई शेयर यहाँ पे 3% में क्रेश होता हुआ देखने को मिला। देखिए एनएचपीसी के कल रिजल्ट रहने वाले हैं, रिजल्ट से पहले क्या व्यू रहेगा, क्या रिजल्ट से पहले कल तेजी आएगी, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि कल रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, एंड रिजल्ट से पहले अपडेट्स क्या है, क्या हमें करना चाहिए। जैसा कि आपको बता दूं, आज 5% की रैली आई है एंड 4 रुपये शेयर का प्राइस हमें वापस से बढ़ चुका है एंड 84 के लेवल पे आ चुका है। देखो भाई अभी के टाइम एनएचपीसी में चल रहा है कंसोलिडेशन, जो कि बहुत ही लंबा चल रहा है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले 8 से 9 महीने हो चुके हैं, अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले पैसा डबल हुआ था, डबल होने के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद फिर से वही डबल वाली रैली। तो आखिर उस डबल वाली रैली के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, क्या यहाँ से दिसंबर तक कुछ बड़ा होगा या यहाँ पे वही फरवरी के आसपास 1 साल बाद शेयर रैली दिखाएगा, कब आएगी बड़ी रैली। मेन इंपॉर्टेंट सभी का क्वेश्चन यही रहता है। देखिए आज अमेरिका के इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो आए एंड वहाँ के मार्केट रिलेटेड जो मार्केट की डिमांड थी वही वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो बना है, उसके बाद वहाँ के मार्केट भी हमें सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिलेंगे एंड इंडियन मार्केट ने भी इसके ऊपर यहाँ पे रैली दिखाई है। ऑलमोस्ट अपना मार्केट आज 270 पॉइंट हमें पॉजिटिव जाता हुआ देखने को मिला है एंड भाई आप देखोगे तो शेयर भी हमें 5% ऊपर देखने को मिल रहा है। देखिए इंट्राडे हाई थे यहाँ पे 84.64 पैसे के एंड इंट्राडे लो स्टॉक पे 80.67 पैसे के देखने को मिल रहे हैं। मेन पॉइंट बात की जाए स्टॉक के आज की वॉल्यूम की, तो भाई 2,57,00,000 शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आए, यानी कि देखिए जिस प्रकार की रैली थी, रैली एंड वॉल्यूम ये दोनों अभी के टाइम मैच नहीं खा रही है। ये दोनों देखो, अगर वॉल्यूम कम रहती है तेजी आती है तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत रहता है कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। वही इसी के दूसरी साइड अगर देखें, अगर वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है एंड शेयर में रैली नहीं है, इसका मतलब है कोई तो बड़ा प्लेयर है जो कि एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे टोटली इस वीडियो में देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, रिजल्ट कैसे रहेंगे। जैसा कि 37% आज हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है एंड 65,000 शेयर के टाइम बाइंग ऑर्डर में लगे हुए एंड 19 के पास स्टॉक का जो पी है वो चल रहा है। इंटरडे चार्ट में अगर देखोगे तो पूरे दिन भाई शेयर में आज फोकस में देखने को मिला, यानी शेयर ने आज यहाँ पे पूरे दिन जो अपना ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगा, अब ट्रेंड में शेयर में चलता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड ये आज की रैली कल के लिए सही संकेत है कि कल रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भाई बड़े प्लेयर्स को तो मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि रिटेल यहाँ पे कुछ बड़ा गेम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिटेल की तरफ से हमें स्टॉक में खरीदारी आती हुई नजर आ सकती है एंड जैसा कि एनएचपीसी में आप देख ले यहाँ पे रिजल्ट के लिए मैंने जैसा कि बोला कि कल रिजल्ट है, क्या कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो अभी के टाइम डिविडेंड को लेकर कोई अपडेट नहीं है, बट हो सकता है अनाउंस कर दे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज जो स्टॉक का मार्केट कैप आ चुका है अभी के टाइम बस वोल्टेड के बीच ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ के प्लस चला गया था, जो 84,000 करोड़ पे भी ट्रेड कर रहा है। वही 23 का स्टॉक का पी यहाँ पे दिखा रहा है, बुक वैल्यू 38.5 की है एंड 84 के आसपास अभी का प्राइस है। चार्ट में आप देखेंगे कि हाल ही के अंदर गिरावट आई, वॉल्यूम भी थी यानी कि बिकवाली हुई, इसके बाद बाउंस आया, वॉल्यूम नहीं, इसके बाद फिर गिरा, वॉल्यूम आई, फिर बाउंस कर रहा है, वॉल्यूम कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तेजी आ रही है कह सकते हैं कि टेम्परेरी तेजी है, यहाँ पे वोलेटिलिटी अभी और बन सकती है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि बिना वॉल्यूम के शेयर अगर ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के क्या होता है, बायर नहीं होते स्टॉक के अंदर एंड जब गिरावट होती है बिना वॉल्यूम के तो उसमें सेलर नहीं होते हैं। मेन चीज़ आप देखोगे तो अभी के टाइम जो कंपनी की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी है, डिविडेंड कंपनी यहाँ पे पे आउट कर रही है एंड इस क्वार्टर से बड़ी उम्मीदें हैं मार्केट को कि इस क्वार्टर में कंपनी कुछ बेटर फॉर्म करे एंड अच्छे खासे प्रॉफिट एंड जो सेल्स में ग्रोथ दिखाए। जैसा कि पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर देखा था 3,336 करोड़ की सेल्स थी, इसके बाद आप देखोगे इतनी सेल्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3,366 की थी, इसके बाद 2,029, 2,527, 2,931, 2,056, 1,888, 2,694, यानी कि जो लास्ट ईयर की सेल्स थी उससे पहले इतनी बड़ी सेल्स कभी नहीं आई। तो यहाँ पे भाई इस क्वार्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार अगर कंपनी लास्ट ईयर की जो सेल्स है, सॉरी जो 2022 की सेल्स थी उसके बाद इतनी सेल्स कभी भी नहीं आई, तो मार्केट इस बार एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि जो कंपनी की सेल्स है 3,000 करोड़ प्लस हमें जंप देते हुए देखने को मिल जाए, जो कि लास्ट ईयर से पिछले क्वार्टर से दोनों तरह से हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एंड वही जो कंपनी के मार्जिन है, अगर भाई ये मार्जिन सस्टेंस भी करते हैं ना पिछले 2-3 क्वार्टर के 60 के थे यहाँ पे, लास्ट ईयर भाई 60 के बढ़ते हुए नजर आए थे एंड अच्छी बात ये कि अभी के टाइम जो पावर सेगमेंट की कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी वाली, इनके मार्जिन हमें बेटर देखने को मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट से इस क्वार्टर में उम्मीद रहेगी कि 2,000 करोड़ प्लस का कंपनी प्रॉफिट दे दे, अगर इतना प्रॉफिट कंपनी बाई चांस कर देती है तो लास्ट ईयर क्वार्टर से बहुत ही तगड़ी ग्रोथ होगी। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 60 से 65% तक के नेट प्रॉफिट में जंप आ सकता है एंड अगर इतना नेट प्रॉफिट में जंप आया तो फिर आप देखोगे जो आपका पी रेशो के टाइम आपको यहाँ पे 23 का दिख रहा है, ये भाई 20 के भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, जो कि स्टॉक की वैल्यूएशन को फिर से बढ़ा देगा। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी स्टॉक के लिए एंड सबसे बड़ा संकेत हमें तब मिलता है जब कंपनी फाइनेंशियली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जारी करती है। तो इन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी के टाइम स्टेबल है, बट आपके एफआई वाले भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में बढ़ा, इसके पिछले क्वार्टर में बढ़ा, इसके पिछले क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई, इसके पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी कम थी तो यहाँ पे घट गई, फिर 2 क्वार्टर में बढ़ा दिया, तो ये चीज़ें हमें नजर आई। अब यहाँ पे आप देखोगे इन क्वार्टर को छोड़ दो, यहाँ पे आप देखोगे जैसे पैसा डबल हुआ, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट जोन चल रहा है, फिर वापस से खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो ये एफआई की स्ट्रेटजी रहती है, जब कंसोलिडेट करो तब उठाओ, जब भागता है तब बेच के निकल जाओ। एंड रिटेल क्या करता है, जब कंसोलिडेट करता है बेच दो भाई, जब भागता है खरीद लो, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स बेचेंगे वो रिटेल को ही बेचेंगे। देखिए पावर सेगमेंट की खासकर कंपनी में आज बेटर प्रदर्शन देखने को मिला है, अदानी पावर, टाटा पावर, सभी में आप देख सकते हो आज बेटर रैली यहाँ पे नजर आ रही है। बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके एनएचपीसी के स्टॉक के बारे में, खासकर इरेडा वगैरह के जो शेयर थे वो भी पॉजिटिव देखने को मिले। देखिए